कोटा के इटावा थाना इलाके में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट ने कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी बाल मुकुंद पर 80,000 का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट कमलकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 सितंबर 2017 को इटावा थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दी थी कि पड़ोसी युवक बाल मुकुंद उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को सजा से दंडित किया गया। नौ 2017 की घटना है। पीड़िता ने थाना इटावा में जाकर रिपोर्ट पेश की कि आज दोपहर में मैं घर पर अकेली थी तो पड़ोसी बाल मुकुंद घर पर आया और उसको पकड़कर ले गया और उसके संग जबरदस्ती बलात्कार किया, जिस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास 80,000 रुपये